बी फार्मेसी, डी फार्मेसी और मास्टर ऑफ फार्मेसी, ये कोर्सेस कब शुरू हुए और ये सभी चीजें जो मेडिकल फील्ड थी उससे उसके डिपार्टमेंट कैसे बने, कि हाँ, मतलब डॉक्टर अलग हो गए, नर्सेस अलग हो गए, फार्मासिस्ट अलग फार्मासिस्ट हो अलग गए, हो गए। ये अलग 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 कब हुआ? तो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है मेडिकल वाला। और आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं उनका नाम है डॉक्टर अनिकेत गरुड़ सर। ये एक गेट क्वालिफाई है 98% से, और ही इज अ प्रोफेसर एट RM धारीवाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी। एंड सर हैज रिटन 4 इंटरनेशनल बुक्स एंड 4 नेशनल बुक्स टू, एंड ऑल्सो रिटन अबाउट 32 रिसर्च पेपर इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी। एंड एडिंग मोर टू डैट, ही ऑल्सो हैज 1 पेटेंट। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जो गेस्ट है उनका नाम है डॉक्टर अनिकेत गरुड़ सर। तो नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। तो जानेंगे आज थोड़ा बहुत फार्मेसी फील्ड रिलेटेड, कि फार्मेसी फील्ड एक्चुअल है क्या। लोगों को ये लगता है कि अगर किसी बच्चे ने बी फार्मेसी में या फिर डी फार्मेसी या फिर एम फार्मेसी में एडमिशन लिया है, तो लोगों को क्या लगता है कि अब ये जाके मेडिकल स्टोर डालेगा, मेडिकल शॉप डालेगा, तब उसको एक टैग लगा देते हैं कि ये क्या फिर मेडिकल वाला है क्या, या फिर अभी मेडिकल डालेगा क्या। तो एक्चुअल में हमें ये बताइए कि फार्मेसी में होता क्या है, वो फार्मेसी है क्या आपके हिसाब से। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। तो बेसिकली क्या है कि एक जो डॉक्टर होता है वो पेशेंट को जिंदगी देता है, और फार्मासिस्ट का क्या रोल है, जो लोग बी फार्मेसी, डी फार्मेसी और एम फार्मेसी करते हैं या फिर PhD कैंडिडेट्स हैं, उनका मेजर रोल ये है कि वो दवाइयों को जिंदगी देते हैं। यानी दवाइयों कि हम को, लोगों का काम ये है कि दवाइयाँ बनाने से लेकर मार्केट में पहुंचाने तक। डॉक्टर लोगों का क्या रोल होता है कि पेशेंट जब डॉक्टर के पास आता है तो उसे क्या क्या बीमारियां हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो लिस्ट आउट करना और उस हिसाब से दवाई देना, हाँ, ये डॉक्टर का काम है। और फार्मासिस्ट का क्या रोल है, अगर डी फार्म रहेगा उसका खुद का मेडिकल स्टोर रहेगा तो डॉक्टर के देख कर वो दवाइयाँ देगा, अगर बी फार्म है तो वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में जा सकता है, फार्माकोलॉजी जा सकता है, अगर वो एम फार्म है तो वो रिसर्च में है, यानी कि जो भी आपने कोरोना वैक्सीन देखी है तो उसमें साइंटिस्ट जो होते हैं वो ज्यादातर मास्टर ऑफ फार्मेसी होते हैं, बैकग्राउंड के होते हैं। तो फिर ये जो मेडिसिन बनाते हैं ये डॉक्टर लोग नहीं रहते यहाँ बनाने के लिए। हाँ, मतलब जो भी डॉक्टर लोग मेडिसिन टेस्टिंग के लिए हो सकते हैं पेशेंट के ऊपर, क्लिनिकल ट्रायल्स जब भी होती हैं पेशेंट के ऊपर जो भी स्टडी किया जाता है, ये दवाई बीमारी ठीक करेगी कि नहीं करेगी या फिर पेशेंट के ऊपर क्या परिणाम करेगी, तो वो देखने के लिए डॉक्टर्स होते हैं। क्लिनिकल लेकिन ट्रायल्स, दवाइयाँ इजाद करना यानी कि दवाइयों के बारे में रिसर्च करना, ये पूरा का पूरा काम। और क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे होते हो फिर उसके अंदर। क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं वो ज्यादातर 4 स्टेजेस, ये देखा जाता है कि दवाई का कुछ गलत इफेक्ट तो नहीं है, मिनिमम एक छोटा से छोटा डोज दिया जाता है, पेशेंट्स 50 पेशेंट्स लिए जाते हैं उसमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग कोई भी, अगर आपको लगता है कि ये दवाई है और मैं ये पेशेंट के ऊपर ट्राई कर सकता था, उसके लिए आपको इन विवो स्टडीज करने पड़ते हैं। यानी कि जो आपने देखा होगा कि साइंटिस्ट लोग व्हाइट रैट के ऊपर स्टडी हाँ करते हैं, हाँ पहले वो दवाई खिलाई जाती है रैट को, ठीक है, तो वो जो एक्सपेरिमेंटेशन का काम है वो फार्मासिस्ट। रैट के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वो फार्मासिस्ट करते हैं। रैट के ऊपर बेसिकली, और ह्यूमन बॉडी के ऊपर अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो डॉक्टर वहां पर, फार्मासिस्ट को अथॉरिटी नहीं है वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट। हाँ, उसका डाटा कलेक्शन, उसका डाटा एनालाइजेशन और उसके क्या इम्पैक्ट हुए हैं और ये दवाई कितनी अच्छे तरीके से बन सकती है, या फिर मान लो कि अगर कोई एक हम लोग पैरासीटामोल या फिर कोई भी XYZ अगर दवाई है और उसका इफेक्ट हमें ज्यादा काल तक चाहिए, यानी कि ज्यादा टाइम तक चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग हाँ लॉन्ग लास्टिंग चाहिए। इफेक्ट चाहिए, तो उस दवाई में कुछ फेरफार करना, फेरफार करना यानी कुछ बाइंडिंग एजेंट अच्छे तरीके से डाल दिए या फिर कुछ लेयर्स बना दिए उसमें, जिस वजह से वो ज्यादा से ज्यादा आपके बॉडी में रहेगी वो दवाई, तो उससे ज्यादा देर तक आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले। वो फिर वो दवाई का कुछ साइड इफेक्ट लगे इस पेशेंट में थी। डिपेंड है कि पेशेंट के बॉडी के ऊपर और वो दवाई,
हम लोग डायरेक्टली नहीं कह सकते कि भाई कुछ कुछ दवाइयाँ तो मिरेकल है, एकदम ज़बरदस्त इफेक्ट आते हैं उसमें, और कुछ कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट हैं। वो अब डिपेंड है कि कितना रिसेप्टर लेवल के ऊपर कहाँ कहाँ पर जाकर वो दवा। ऐसे कभी होता है कि 5 लोगों को अलग इफेक्ट आया है, 5 लोगों को कुछ अलग इफेक्ट आया है 10 लोगों में से? ये इतना ज्यादा डेविएशन तो नहीं होता है। हाँ, ये डेविएशन कहाँ पर हो सकता है, जब दवाई प्राइम लेवल पे हो, यानी कि टेस्टिंग चल रहा हो, फिर भी अगर देखा जाए तो बहुत कम होता है ऐसा। 70-30 रेशो हम लोग, 30 में ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन फिर ऐसी दवाइयों को मार्केट में नहीं लाया जाता है, ऐसी दवाइयों को बैन कर दिया जाता है। और ह्यूमन बॉडी का डेथ रेट होता है इसके अंदर क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर? हाँ, कई बार मतलब ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें स्टडी किया जाता है तो वो रेट बहुत ही कम है। हाँ, साइड इफेक्ट के रेट हैं उसमें, क्योंकि पहले मैंने एक डायबिटिक दवाई का रिजल्ट सुना था, मैं नाम भूल गया, लेकिन उसमें कुछ लोगों को ऐसे मतलब बॉयल्स यानी कि फोड़े आ गए थे, आ गई थी वो दवाइयाँ टेस्टिंग के दौरान, पिंपल्स आ गए थे और बहुत ज्यादा सूजन हो गई थी, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। तो ये चीजें हैं उसमें, कोई भी दवाई हो उसमें थोड़ा सा रिस्क तो होता ही है, लेकिन जब वो दवाई मार्केट में आती है तो गवर्नमेंट ख्याल रखती है, तब पूरा 3-4 हज़ार लोगों के ऊपर स्टडी किया जाता है फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल का, और फिर उसके बाद वो दवाई मार्केट, उसके बाद भी हर 6 महीने में उस कंपनी को एक एक रिपोर्ट देना पड़ता है। और मार्केट में एक मेडिसिन लॉन्च होने के लिए फार्मेसी फील्ड को कितना टाइम लगता है इंडिया? COVID-19 का जो वैक्सीन है उसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं सारे, लेकिन सबसे मतलब पहले एक 10 साल पहले तो ऐसा था कि भाई 10-12 साल तो लग जाते थे, लेकिन अभी वो टाइम कम हो चुका है, 7.5-7 साल तो लग जाते हैं, क्योंकि पूरा स्टडी अच्छे तरीके से करना पड़ता है, और कंपनी अगर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे तो रिस्क नहीं, मतलब कम से कम 7 साल तो लगते हैं अपने को। हाँ, 7-5 साल तो जितना ज्यादा फास्ट करेंगे वो, लेकिन थोड़ा टाइम लगाना ही चाहिए और लगाते भी हैं, क्योंकि तुरंत मार्केट में लॉन्च कर दिया ड्रग और उसके कुछ करना पड़ेगा, पूरी इन्वेस्टमेंट आपकी खराब हो जाएगी। तो फिर ये फार्मेसी का नाम कहाँ से डिराइव हुआ था? फार्मेसी देखो, भारत देश में अगर हम लोग इतिहास की बात करेंगे तो बहुत पहले से ही ये वैद्य राज जो थे, वैद्य और उनके शिष्य जो थे, वो दवाई इकट्ठा काम करने का काम करते थे। और अगर बेसिकली हम लोग कहेंगे कि सबसे पहली फार्मेसी इंटरनेट पर अगर आप देखोगे तो वो इटली में फॉर्म हुई थी कहीं पे, वो अभी आजकल इटली में जो सबसे पहली फार्मेसी बनी थी वो अभी अत्तरों का म्यूजियम करके जाने जाते हैं। तो ये है पहले, सबसे पहले फार्मेसी हम लोग कह सकते हैं इटली की थी, ऐसा कह सकते हैं। वे बैक हमारे पास हिस्ट्री बहुत ज्यादा है कि मैं आगे आपको चल के बताऊंगा। तो फिर सबसे पहले कंट्री इटली थी एज पर इंटरनेट के इन्फॉर्मेशन? हाँ, मतलब इंटरनेट वालों के हिसाब से वो इटली है, पर व्हाट इज एक्चुअल ट्रुथ अबाउट दैट? वो फार्मेसी जो है हमारे जो इंडियन, हमारे जो स्पिरिचुअलिज्म है या फिर हमारा जो हिंदुत्व है, जो हमारी संस्कृति है, तो उसके हिसाब से सुश्रुत संहिता अगर आप ग्रंथ देखें तो उसमें भी मेडिसिन के बारे में बहुत अच्छा जानकारी दी। भगवान श्री गौतम बुद्ध जी जो है, उनके जो टेक्स्ट मैंने जितने भी, मैंने ये पाया था कि भाई उनके कुछ आखिर के दिनों में उन्हें कॉन्स्टिपेशन का थोड़ा सा तकलीफ रहती थी, तो उनके कुछ शिष्यों ने क्या किया था कि एरोमाथेरेपी, देखो उनका जन्म अगर हम लोग देखेंगे तो बिफोर क्रिस्ट 563 टू 483, तो यानी कि वे बैक इटली और ये सब तो बहुत पीछे छूट जाते हैं। तो भगवान श्री गौतम बुद्ध जी के जो शिष्य थे उन्होंने एरोमाथेरेपी का, तो उन्हें उस प्रॉब्लम से निजात दिलाई, टेक्स्ट अवेलेबल है। और उससे पहले भी अगर हम लोग जाएंगे तो वही रामायण है, उसमें हनुमान जी जाकर वो जड़ी बूटी खाते हैं, वो भी तो फार्मासिस्ट ही हो, पहले फार्मासिस्ट हम लोग उनको बोल सकते हैं। तो और अगर उसके भी पीछे हम लोग जाते हैं तो कश्यप ऋषि जो थे, तो उनकी बहुत सारी पत्नियां थी, तो वो दिति और धनु जो राक्षसों को जन्म देने वाली जो पत्नियां थी, तो वो लोग भी मेकअप करती थी ऐसा उल्लेख है। हाँ, मतलब वो कॉस्मेटिक्स, हाँ कॉस्मेटिक यूज करते थे, तो कॉस्मेटिक यूज करते थे, तो दवाइयां भी तो थी। हाँ, तो इसका मतलब फार्मेसी तो वे बैक
हमारे पास थी ओके तो ये फार्मेसी एड एक्चुअल कब शुरू हुई और कहाँ शुरू हुई, ये हमारे पास पहले से ही थी। हाँ नाम अभी हम लोग कह सकते हैं कि फार्मेसी जो नाम है वो भी ये फार्मेसी कर, वरना तो पहले तो वैजी लेकिन साइंस वो वाला साइंस हमारे पास था पहले। मतलब आपके हिसाब से फिर इंडिया में ही शुरू हुआ था ये सब कुछ या फिर भारत देश में ही पूर्वज एंशियंट टाइम में शुरू हुआ था? यस हम लोग ये कह सकते हैं कि एंशियंट टाइम से हमारे पास है। भाई देखो मेरी माँ रोज रोटी और ये सब्जी बनाती है, आलू और आलू की सब्जी और पूरिया बनाती है। अब वो अमेरिका में जाके अमेरिकन अगर पेटेंट ले लेंगे उसका तो वो उनका थोड़ी हो जाएगा, हम तो पहले से करते हैं ये सब चीज। ये तो हमारे लिए था ही सब कुछ। तो भारतवर्ष का यानी कि हमारी ये जो भारत देश है जो इंडिया कहते हैं हम, और उसमें पहले से ही है कि भाई ये चीज मेरे पास है। तो मेरा ये कहना है क्योंकि मेरे संस्कृति का ये कहना है कि उसका यूज तो हो किसी और को तो उसका फायदा है, मैं पेटेंट लेके करूंगा क्या। तो ये चीजें मायने रखती हैं। तो फिर सर फादर ऑफ फार्मेसी किसे कहा जाता है एज पर ग्लोबली? ग्लोबली पहले बताइए हमें कि ग्लोबली फादर ऑफ फार्मेसी किसे कहते हैं? भाई देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो जो हमारे ऊपर थोपी गई है या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इंटरनेट बेस्ड, जैसे ही हम लोगों के ऊपर अंग्रेजों ने हुकूमत शुरू किया तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री उनकी हिस्ट्री यानी हमारी हिस्ट्री ऐसा कहना शुरू कर दिया और हमारी पूरी पहले की हिस्ट्री सब भुला देने की करी भाई। तो फादर ऑफ फार्मेसी अगर मतलब बाकी के आउट ऑफ इंडिया जो लोग हैं वो गैलन को कहते हैं, गैलन ने कोल्ड क्रीम बनाई थी मेडिसिनल प्लांट्स में से एक्सट्रैक्शन निकाल के एक्सट्रैक्ट निकाल के बेसिकली वो पेशेंट्स किया था उन्होंने। तो लेकिन अगर हम लोग इंडिया के बारे में बात करेंगे तो ये मेडिसिनल प्लांट में से एक्सट्रैक्ट निकालना, काढ़ा तैयार करना और उनकी दवाई तैयार करना, ये सभी चीज़ें तो बहुत पुरानी है हमारे यहाँ पे। हम लोगों ने तो आई सर्जरी जब बाकी दुनिया पत्थर घिसने का काम करती थी तब हम लोग आई की सर्जरी करते थे। हमारे यहाँ पे ऐसे जबरदस्त साइंटिस्ट थे, मतलब एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम में। हाँ एंशिएंट पीरियड ऑफ टाइम में हमारे यहाँ पे ऐसे साइंटिस्ट थे कि जो डेड बॉडी को पानी में ऐसा छोड़ देते थे और उसकी लेयर्स जब निकलती थी तब रोज जाकर वहां पर स्टडी करते थे कि इस प्रकार से हमने ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सीखा है हमारे लोगों ने। ओके तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हम लोग अगले एपिसोड में जरूर आप देखना। चैनल का नाम है मेडिकल वाला, ये याद रखना, सब्सक्राइब करो क्योंकि अगला एपिसोड आपको देखना है। तो इंडिया में तो ये सभी चीजें पहले से ही थी। ओके तो आपका नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? तो एज पर आपने बताया कि फादर ऑफ फार्मेसी ग्लोबली गैलन थे, फिर गैलन को कह सकते हैं आप लेकिन इंडिया में बहुत पहले से ही था और गॉड ऑफ फार्मेसी कौन है वो हम लोग अगले एपिसोड में देखने वाले हैं। फिर इंडिया के फादर ऑफ फार्मेसी कौन थे? अभी क्या है कि दो थेरीज भारत देश में है। एक भाई ब्रिटिशर्स के बाद हम लोग भारत देश बने और तभी से ये देश का निर्माण हुआ जो सरासर गलत है, और पहले की हिस्ट्री जो है वो धीरे धीरे सब लोग सीख रहे हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में भी आएगी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो बहुत जल्दी हमें सब कुछ अच्छा और जो सच्चा इतिहास है वो हमें पता वो तो चले। और भाई देखो फार्मेसी जो कोर्स है सबसे पहले हिंदुस्तान में क्या होता था कि जो भी वैद्य जी हैं तो वही दवाइयां भी इकट्ठा करते थे और वो दवाइयां देने का भी काम, एज अ सेपरेट फार्मासिस्ट है और लिख के दे रहे हैं ऐसा कंसेप्ट नहीं था। वैद्य जी के साथ जो भी शिष्य गण थे उनके तो वही जंगल में जाकर दवाई और जड़ी बूटी लाने का काम करते थे, वही बनाते भी थे वैद्य जी के अंडर और वो देने का काम भी पेशेंट को करते थे। मतलब वैद्य जी करते थे या फिर उनके वैद्य जी भी दवाइयां ही देते थे और उनके शिष्यगण उनको उनके साथ देते थे। ठीक है तो बेसिकली ये था ये भारत देश में मेडिकल फील्ड का, जो भी मेडिकल फील्ड जो इतनी जबरदस्त है, आयुर्वेदा हम लोग देखते हैं इतना, योग प्राणायाम भी है, तो ये भारत देश में था। लेकिन अगर आप कहेंगे कि बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, मास्टर ऑफ फार्मेसी
ये कोर्सेस कब शुरू हुए और ये सभी चीजें जो मेडिकल फील्ड थी उससे उसके डिपार्टमेंट कैसे बने। हाँ। मतलब डॉक्टर अलग हो गए, नर्सेस अलग हो गए, फार्मासिस्ट अलग हो गए, ये अलग 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 कब हुआ? तो भारत देश में भारत आजाद होने के बाद महादेव लाल श्रॉफ जी करके थे। हाँ। तो वो बहुत बड़े नेता थे और उन्होंने भारत देश में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की। वो वाइस प्रेसिडेंट भी थे वहां पर। मतलब ये सब कुछ आफ्टर रिपब्लिक हुआ, आफ्टर रिपब्लिक कोर्सेस लॉन्च हुए भाई, कोर्सेस लॉन्च हुए। हाँ। मैं ये कह सकता हूँ, आप लोग ये कह सकते हैं कि कोर्सेस लॉन्च हुए। हाँ। फिर तब पढ़ाई लिखाई के लिए कोर्सेस लॉन्च हुए। लेकिन उससे पहले भी जिसको अभी आप लोगों को अगर मन है तो किसी वैद्य जी को ज्वाइन करके आप लोग भी सीख सकते हैं उस जमाने में। हाँ। जो कि लोग सीखते थे, आज वो पूरा फिर प्रोफेशनल हो गया। प्रोफेशनल कोर्सेस यानी कि जैसे आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो है वो जनरल टीचिंग है और ये प्रोफेशनल कोर्सेस में आता है, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, फार्मेसी हो गया। उसकी शुरुआत ये महादेव लाल जी हैं, उन्होंने की थी। और फिर भाई उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ क्या कहते हैं उसे, फार्मेसी भी लॉन्च किया था, वो एडिटर थे वहाँ पे। फिर वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया भी थे। तो ये आज तक का इतिहास है फार्मेसी। तो फिर फार्मेसी की शुरुआत जब हुई थी तो कौन से मेडिकेशन से उन्होंने स्टार्ट किया था? मतलब जैसे कि आयुर्वेदिक, एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी। तो अभी आप वहां फिरा के कंपेयर नहीं करना चाहिए हमें। जो भारत का ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो आयुर्वेदा है ऑफ कोर्स, क्योंकि वो सबसे पुराना टेक्स्ट अवेलेबल है। और उसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी झाड़ पत्ती उठाई और उसको कलबत्ते में कूट दिया और काढ़ा बना के दे दिया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। आप अगर देखोगे आयुर्वेदा के जो टेक्स्ट बुक है तो उसमें उस प्लांट के जो गुण है वो भी स्टडी किए हुए हैं। ठीक है, तो उसको लॉजिक है और उसे थियोरी भी है उसमें। तो मैं तो कहूंगा कि भाई आयुर्वेदा सबसे पुराना है। कोई भी ट्रीटमेंट, अभी आप लोग आप क्वेश्चन आपका नेक्स्ट ये होगा, अभी मतलब लोगों को क्या लगता है कि कौन सी ट्रीटमेंट बेस्ट है? हाँ, तो बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि आयुर्वेदिक बेस्ट है, एलोपैथी बेस्ट है, यूनानी करे या फिर होम्योपैथी करे। तो फिर आपके हिसाब से कौन सी ट्रीटमेंट इसके अंदर बेस्ट रहेगी? जो ट्रीटमेंट इंसान को बचाने का काम करेगी वो बेस्ट है। ये तो ऐसा हो गया, आपको क्या पसंद है? हाँ। मैं भारत देश का हूँ, मैं कहूंगा आयुर्वेदा मेरा बेस्ट है। हाँ। भाई कोई अमेरिकन होगा एलोपैथी इज ग्रेटेस्ट। हाँ। कोई यूनानी होगा मेरा यूनानी सबसे बढ़िया। तो ये ऐसा नहीं चलता है, कंपेयर करेंगे तो प्रॉब्लम में फंसेंगे। उससे अच्छा ये है कि डॉक्टर को कंसल्ट करो, डॉक्टर चूज करेगा आपके लिए क्या सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट। अगर आपको कोई वायरल इन्फेक्शन है तो एलोपैथी के सिवाय कोई मार्ग नहीं है। हाँ। लेकिन उसको अभी कंपटीशन थोड़ा सा वायरल हो गया तो फिर आप एलोपैथी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वो प्राण बचना जरूरी है आदमी का। भाई जो चीजें अवेलेबल हैं उनमें झगड़ा क्यों करें, उसका लाभ लेंगे तो हम लोग, हमारा संस्कृति यही कहती है कि जो अच्छी चीजें हैं वो सब लो। हाँ। और आगे बढ़ो। डिस्क्रिमिनेशन हम भारत देश में कभी नहीं किसी का भी हुआ, हम लोग भी डिस्क्रिमिनेशन क्यों करें भाई। तो ये एलोपैथी लो आप, उसको टशन देने के लिए या फिर हम लोग कह सकते हैं उसको कंपटीशन देने के लिए अभी होम्योपैथी है। हाँ। कि अगर वायरल इन्फेक्शन में कुछ कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं कि एक दिन में वो टेम्परेचर मेरे बेटे का कम कर दिया, वो आपका क्या गुण स्वभाव है वो देखकर वो आप लोगों को दवाई देते हैं आयुर्वेदिक में, होम्योपैथी में, होम्योपैथी में आपको कोई अगर डिसीज कंडीशन है। और अगर आपको कोई डिसीज कंडीशन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर ऐसी चीजें हैं जो आपको जड़ से खत्म करनी है, जो क्रोनिक बीमारियां है, वो आयुर्वेदा बेस्ट है उसके लिए। योग प्राणायाम कीजिए, वो आयुर्वेदा की दवाइयां लीजिए, और अगर कुछ ज्यादा ही सिम्टम आपके खराब है तो एलोपैथी से उसको थोड़ा सा हील कर दीजिए। ठीक है, और बाकी रूट कॉज आपका आयुर्वेदा खत्म कर देगा, तो एक हेल्दी जिंदगी आप लोग जी सकते। और होम्योपैथी की शुरुआत कब हुई थी? देखिए होम्योपैथी जो है तकरीबन 250-200 साल पहले की है, 1755 में हेनमन करके साइंटिस्ट थे, आप लोग उन्हें संत भी कह सकते हैं लेकिन वो फॉरेन के संत थे, और उन्होंने होम्योपैथी की, होम्योपैथी बहुत ही अच्छी
ट्रीटमेंट भाई, कोई भी ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट कब कहा जाता है उसे, जो पेशेंट को ठीक करे। हाँ, जो पेशेंट को मार दे वो तो ट्रीटमेंट हो नहीं सकता, जो पेशेंट को क्यूर करे ठीक से, टू ट्रीट द पेशेंट इज द ट्रीटमेंट। कोई भी अच्छी चीज हो वो हमें लेनी चाहिए। क्या और जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया था कि डॉक्टर कौन होते जो जिंदगी बचाते हैं लोगों की, और फार्मेसी लोग वो होते जो मेडिसिन के अंदर जान देते हैं, जान डालते हैं। हाँ, जान डालते हैं। जान देते हैं मतलब भाई सुसाइड करेंगे क्या मेडिसिन ऐसा तो नहीं चलेगा ना। वो तो है, वरना बोली ली और भूत पीछे लग गए। हाँ, तो ऐसा नहीं है, दवाइयाँ पेशेंट के अच्छे के लिए होती हैं। अगले एपिसोड के लिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा, अगला एपिसोड और भी धमाकेदार होगा। हम लोग देखेंगे कि गॉड ऑफ फार्मेसी कौन है। तब तक आप जान बचाए रखिए और सब्सक्राइब का जो लाल बटन नीचे है वो दबाकर, लाइक अगर डिसलाइक करना है तो डिसलाइक करो, और आपका जो भी कहना है वो कमेंट में आप कह सकते हो, आपके विचार हम तक पहुंचाओ। भाई गाली मत देना वीडियो में। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर हमारे शो के ऊपर आने के लिए, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। तो दोस्तों, जैसे कि आपने आज हमारा पॉडकास्ट देखा, इसके अंदर आपको जानने के लिए मिला कि एक्चुअल फार्मेसी कहाँ स्टार्ट हुई थी, हु इज द फादर ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी का क्या रोल होता है। तो इसी सारे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इसके आगे हम जो कंटेंट लाएंगे इसके अंदर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी या फिर फार्मेसी फील्ड के बारे में डिटेल नॉलेज मिलेगा, मेडिकल फील्ड के बारे में नॉलेज मिलेगा। और इसी तरह के इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए हमारे मेडिकल वाला चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।